गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। सुबह का टाइम हो गया है और अभी मैं उतार के लेके आई हूँ कपड़े जो कि मैंने रात को धुले थे, और इधर मेरे प्रेस वाले कपड़े भी आ चुके हैं। और इधर भाभी बनाने लगी है अपने लिए चाय। ये किस किसी चाय बन रही है? ये आपकी मेरी। इधर दूध आ गया, वो बन रहा है। इधर ये अपनी सैंडविच बना रही है। सोनू मैं तो वो खाऊंगी ना जी। सोनू की बना रही है, एक सोनू की एक आपकी। अच्छा, सुबह सुबह का नाश्ता सैंडविच और चाय भाभी ने बनाई, मस्त बना रखे। तो आज ही कह रहे हैं ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट ना खाने का तो मुझे आमन में आया, मुझे कह रही थी तो पानी बॉयल हो रहा है, अभी पास्ता बनाते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो है पास्ता बनने की तैयारी फुल हो चुकी है। मैंने बॉयल कर दिया था, अब बनाऊंगी मैं पास्ता। तो इधर ये बन गया मेरा पास्ता और इधर बन गया चाय। ये बन गया अपना पास्ता, चाय और डार्लिंग। कैसा बना है? मेरे को तो टेस्टी लगा, आप बताओ। मेरे को भी अच्छा लगा। अच्छा लगा? कई दिन में बनाया ना हमने, कई दिन में बनाया। और कल बनेगा, कल या परसों में व्हाइट सॉस वाला। जावे रे तू, कि जावे है? एक बार कुछ काम जाना है। अरिया कह रही है गज्जक लेके आने, इसका गज्जक खाने का जीत रहे ना। इस तेरे गज्जक लेने ना जा रहा, तू अपने काम ते जा रहा है। पूछ ले इसने ना 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 नाम इसका लगा है, जान बूझ कर मम्मी ने सुना रहता ही। ठीक है, कल कित जावे नहीं बता। एक तो घर के लिए, वहाँ के लिए एग्जॉस्ट फैन लेके आना है। हाँ, वो लेके आना है और कुछ और इलेक्ट्रिक सामान है जो छोटा मोटा, वो लेके आना है। तो गाइस मैं अभी तैयार हो ली और भाई जाने लग गया। मेरे को भाई का जी कर रहा है गज्जक खान में। तेरा क्या कहता है बता ना। रोटी खा रही, पेट फुल है मेरा तो। हाँ, ये बनावांगे दो चार वीडियो। बढ़िया बढ़िया। तो इतनी दूर में वापिस ने कही स्कूटी ले जाया, मैं स्कूटी ना ले गया। इसलिए कहते बड़ों की बात माननी चाहिए। ठीक है, दोबारा जाना पड़ेगा, हमने स्कूटी लेके उड़ा, सामान तो लेके रखा है मैं। तो गाइस मेरे बन गए यहाँ पे पुलाव, रख दिए मैंने, दही डाल दूंगी दही के, और ये हो गया सैलेड रेडी। उससे पहले खाऊंगी फ्रूट, बाद में खाऊंगी, अभी टाइम लगेगा। और गाइस एक गुड न्यूज़ है आज आप लोगों के लिए। वो होता है ना कि बेबी होने के बाद नेक्स्ट डे वो केरा डलता है। केरा बोले हमारी साइड, तो आपकी साइड के बोले मैंने नहीं पता। आप लोग भी बताइए कि आपकी साइड क्या क्या बोलते हैं, कुछ अलग वर्ड यूज करते हैं, क्या करते हैं या क्या रस्में होती है। हमारे ये होता है कि जब बेबी होता है तो उसके नेक्स्ट डे गीत गाए जाते हैं, और जो भी मतलब जैसे गीत वाली जो लेडीज आती हैं वो थोड़ा थोड़ा वो लेके आती हैं, गेहूं अनाज वो डाल के जाती हैं, गीत वीत गाती हैं, और फिर उनको जो भी पतासे या खील जो भी वो सब देते हैं। तो आज वो होएगा वहाँ गांव में। मैंने मम्मी को बोला है कि मम्मी थोड़ी वीडियो शूट करके भेजना, पॉसिबल हो गए हो पाया तो मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी। और क्योंकि जिस भाभी की मतलब अभी हुआ है भाई को, वो भाई अभी जम्मू में है, वो एयरफोर्स में है, मतलब उसकी ड्यूटी वहाँ पे है, तो वो यहाँ पे नहीं आया, और प्रोग्राम सारा इसलिए गाँव में ही करेंगे। लंच टाइम हो गया भाई, और लंच में बने हैं नमकीन चावल, दही, सैलेड और क्या है, सैलेड है, पापड़ है। अच्छा, पापड़ भी बोल के रखा है। कितना काम कैसे कर लेते हो आप? क्या करें, पति देव को खुश करने के लिए करना पड़ता है। मैंने कराया है, माँ की सुखा जा, खा जा, खा जा, माँ की बोल। दो रोटी बनाई, दो सोनू परांठे तारे, फिर बनाई खाई। तो गाइज मैंने यहाँ पे क्या मम्मी को वीडियो कॉल देखने के लिए कि गीत वगैरह गाने के लिए आई हुई है, पर जब तक मैंने कॉल किया तब तक लेडीजे गा के जा चुकी थी। ये मेरी बुआ जी और ये आई हुई हैं, ये बैठी हुई हैं यहीं पे, और जो थोड़े मतलब जो ज़्यादा क्लोज वाले हैं घर परिवार वाले जो होते हैं वो बैठे हुए हैं, जो घर कुनबे वाले हैं।
तो वीडियो कॉल करी तो फिर सबके साथ बात करी काफी टाइम बाद। बुआ जी हरते भी ये मेरी बड़ी वाली बुआ जी है तो बुला रही है कि तू क्यों नहीं आई। देखो मैंने आई है अरे देख सोरे का दादा बैठे ताई जी बैठी अरे ये मारी रुत काली नंद बाई की मारी मतराणी बतेरी हरिया महाराज हरिया नणंद और मारे छठे के गीत पूरे हो गए हैं। अरिया मारी नंद बाई है क्या बैठी देख कालू का दे रहा क्या बनाने वाला के फोन है सारे तो मेरे फोन मारी थे सारे। हां अरे भैया दे केरा गलवा है देखते हैं छठी टाइम लगेगा तो आऊंगी मैं और नहीं तो देखेंगे। मिलते हैं अगले ब्लॉक में। और ये सब वीडियोस देखने के बाद मैंने करी अपनी भाभी को कॉल और छोटे बेबी को देखा और ये ना रो रहा था और जैसे ही मैंने वीडियो कॉल करके ऐसे इसको बोला ना आज दो ही दिन का बाद तभी चुप हो गया। भाभी बोली देख तेरे को कितना ध्यान से सुन रहा है इतना क्यूट लग रहा था ये क्यूटी भाई सा। गाइज हो गई है शाम और भाई सोनू गया है नए घर में आप लोगों ने देख ही लिया होगा या आगे मैं क्लिप ऐड करूँगी वो वहाँ नए घर में गया है सामान का करवाने के लिए वो सब हो गया। कल मम्मी पापा आ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा खुशी है और बस अब खाने की तैयारी करेंगे। शाम का टाइम हो गया चावल चाय और यो अब सोचोगे यो कौन सा कॉम्बिनेशन है यो बनाना मैंने किसके वो लोग देख कर देखा था चावल चाय गला चावल तो मगा जा टेस्ट करा किसा टेस्ट है भूख लगने कॉम्बिनेशन है और उधर उसकी दो रोटी सिखवाई है और मका मलाई डाल गए मीठा डाल के खा ले। डिलीवरी आना था भाई वो आ चुका है। तो गाइस सामान तो ये आ चुका है मैं कह रहा था मका भाई चेक तो करवा दो तो भाई कह रहे हैं चेक वो इंजीनियर आके ही खोलेगा जो इनको लगा के जाएगा। मैं कहा ठीक है तो ये आ चुका है सारी चीजें और कल मम्मी पापा लेंगे आज ही आया है अब तो कल तक ये लगवाना भी है और कुछ काम और बाकी वो सारा निपटवा देते हैं तो मिलते हैं गाइस। सोनू भाई अब आए हैं और इसने मंगवाई थी ये गज्जक लेकर आया है मूंगफली लेकर आया है और ये चने लेकर आया है। आ जाओ आपकी फेवरेट आ रही है अमित जी यो तड़के खा गया और ये भाया यो शाम ना आ बढ़िया देख ले अब ये खा रहे खाना और खाने का स्टाइल देखना एक बार जरा दही मलाई और अचार दही भी मलाई भी एक साथ बुरा भी है और बुरा भी वाह। और स्वामी दी खाना बना में है और मैं साथ के साथ दे के आऊँ हूँ बड़े गया वैसे तो ऑलमोस्ट बन गया और दही के लिए दूध भी गर्म हो गया साथ के साथ तो मम्मी पापा आ जाएंगे कल तो मम्मी पापा आ जाएंगे तो हाँ। वो भी खुशी है एक्साइटमेंट है परमानेंट आ जाएंगे। डिनर हमारा हो गया रात के बज गए 11 आजकल काफी लेट करने लग गए हैं हम लोग। लेट सो रहे हो आजकल आप सो रहे हो लेट मैं नहीं सो रही हूँ। तो आज का व्लॉग कुछ ऐसा सा था कि नए घर में कुछ सामान आया है जो कि पूरा देखने को मिलेगा कि घर की कैसी लुक हो गई है फर्नीचर वगैरह सारा सेट हुआ वो देखने को मिलेगा सोनू भाई के व्लॉग में वो देखना। और जो हमारे वाले व्लॉग में आज जो आई थिंक बहुत सारे तो समझ ही गए होंगे जो केरा डालते हैं केरा बोलते जो भी है वो जब बेबी होता है उससे 2-3 दिन बाद में डालते हैं तो वो सडनली प्रोग्राम बना जो डेट पूछते हैं पंडित वंडित से तो उन्होंने आज का बोला तो इसलिए आज का ही करवा दिया। नहीं मेरे दिमाग में ये था 2-3 दिन बाद होएगा तो मैं भी जाती पर मैं नहीं जा पाई क्योंकि वो सडनली प्लान बना फिर भी जितनी क्लिप मेरे से हो पाई उसमें ऐड करी। और छोटे बेबी से भी मिलने जाएंगे हम लोग बहुत जल्दी आप लोगों को भी मिलवाऊंगी और बहुत सारों को कंफ्यूजन क्या हो रहा पता आपको
कि निधि को इतनी जल्दी बेबी कैसे हो गया, उसका तो टमी भी नहीं दिख रहा। अब इसका कंफ्यूजन दूर करो आप सबका। ये निधि भाभी को बेबी नहीं हुआ है, ये मेरी जो कजन भाभी है, मेरे मतलब ताऊजी के लड़के की जो बहू है उनको हुआ है। वो जम्मू में रहते हैं तो अभी उनको बेबी हुआ है। तो ये उसकी वीडियो है सारी। तो आप लोगों को काफ़ी सारों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा था कि निधि की डिलीवरी इतनी जल्दी कैसे हो गई, निधि भाभी की नहीं हुई है, ये दूसरी भाभी है मेरी बड़ी, उनकी हुई है। तो आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। कल के व्लॉग का बहुत ज़्यादा इंतज़ार है मेरे को भी, क्योंकि कल आने वाले हैं मम्मी पापा, तो उसकी भी अच्छे से तैयारी करनी है। तो बने रहिए व्लॉग के साथ। बाय बाय।